स्टार्ट विद दफ अल्लाह इज़ मोस्टिशियल एंड मोस्ट मर्सिफुल डियर स्टूडेंट असल आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर टेन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन है आपके पास वन डि वन माइनस ए एक माइनस बी एक्स इंटू वन माइनस सी एक्स ठीक है प्रॉपर प्रशन है ये अब इसको सिंपली आपने सॉल्व करना है ए डिड बाई वन माइनस एक्स प्लस ए डिड बाईन माइनस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई वन माइनस सी एक्स अब डिनोमिनेटर में से टर्म्स एलिमिनेट करनी है तो आप इन्हीं टर्म्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे ठीक है मल्टीप्लाई बाय ये टर्म्स राइट कर देंगे ओके अब आपने क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड से करवाएंगे तीनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ रह जाएगा वन इज इक्वल टू ए ए में से जो मल्टीप्लाई करवाएंगे ए को इन तीनों टर्म्स के साथ तो ये कैंसिल हो जाएगी वन माइनस ए एक्स वन वन माइनस बी एक्स और वन माइनस सी एक्स रह जाएगी प्लस बी के साथ वन माइनस बी एक्स कैंसिल हो जाएगी वन माइनस ए एक्स और वन माइनस सी एक्स रह जाएगी प्लस सी में वन माइनस सी एक्स कैंसिल होगी वन माइनस ए एक वन माइनस बी एक्स रह जाएगी ठीक है आप एक स्टेप करके इसको यहाँ कर सकते हैं लेकिन आई होप कि इतने क्वेश्चन अगर आप कर चुके हैं उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर चुके हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं ठीक है ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर टू अब आपने पुट करना है वन माइनस ए एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से बनेगी वन इज़ इक्वल टू ए एक्स और एक्स बन जाएगा आपके पास वन डिवाइड बाई ए ठीक है इसे क्वेश्चन नंबर टू में पुट करें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन डिवाइड बाई ए पुट करें वन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस बी एक्स की जगह वन ओवर ए वन माइनस सी एक्स है यहाँ पे एक्स की जगह वन ओवर ए प्लस अब देखिए यहाँ एक्स की जगह वन डिवाइड बाई ए पुट करें ए से कैंसिल तो यहाँ रह जाएगा वन माइनस वन जो कि हो जाएगा ज़ीरो और इस तरह से बी क्या हो जाएगा ज़ीरो बिल्कुल इसी तरह सी भी जीरो हो जाएगा ठीक है अब ये बनेगा वन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस बी मल्टीप्लाई होगा वन से तो बी वन जब बी डिवाइड बाई ए वन माइनस सी ओवर ए ठीक है अब देखिए ये सिंप्लीफाई करना है आपने ए मल्टीप्लाई होगा वन से तो ए माइनस बी डिवाइड बाई ए माइनस सी डिवाइड बाई ए ठीक है यहाँ से ए क्या आ जाएगा देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई रहे हैं बन जाएगा ए स्क्वेयर और ये ए माइनस बी ए माइनस सी ठीक है तो ये इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएंगी मतलब उलट भी जाएंगी वैल्यूज तो ए माइनस बी ए माइनस से नीचे आ जाएगा और ए स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल इसी तरह आप बी की वैल्यू फाइंड कर लें पुट वन माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वन इज इक्वल टू बी एक्स और एक्स क्या आ जाएगा वन डिवाइड बाई बी इन इक्वेशन टू इक्वेशन टू में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन ओवर बी पुट कर दें तो वन इज इक्वल टू यहाँ से ए जीरो हो जाएगा वन ओवर बी पुट करने से बी में आप वैल्यू पुट कर दें वन और बी और सी भी ज़ीरो हो जाएगा ठीक है सिम्प्लीफाई करें बी इंटू वन माइनस ए मल्टीप्लाई वन ए डिवाइड बाई बी वन माइनस सी मल्टीप्लाई बाई वन सी डिवाइड बाई बी यहाँ से बनेगा वन इज इक्वल टू बी इंटू बी मल्टीप्लाई होगा वन से बी माइनस ए डिवाइड बाई बी बी माइनस सी डिवाइड बाई बी ठीक है ये बनेगा आप बी स्क्वेयर और ये साइड पर आके जो है क्या बन जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी माइनस सी बी माइनस सी आप क्या पुट करना है पुट वन माइनस सी एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ से वन क्या आ जाएगा वन इज इक्वल टू सी एक्स और एक्स आ जाएगा वन डिवाइड बाई सी जहाँ जहाँ एक्स एक्स है इक्वेशन नंबर टू में वहाँ वहाँ आपने एक्स की जगह वन ओवर सी पुट करना है ठीक है तो आप जब वन ओवर सी पुट करेंगे यहाँ तो ऐ, वन ही रहेगा इज इक्वल टू ए भी जीरो हो जाएगा बी भी जीरो हो जाएगा ओके प्लस सी इंटू वन माइनस ए यहाँ पे एक्स था वन ओवर सी पुट कर दिया वन माइनस बी एक्स था यहाँ पे वन ओवर सी पुट कर देंगे आप ठीक है ये बन जाएगा वन इज इक्वल टू सी वन माइनस ए ओवर सी इंटू वन माइनस बी ओवर सी ठीक है वन इज इक्वल टू सी इंटू सी मल्टीप्लाई वन से सी माइनस ए डिबाई सी c माइनस बी डिवाइड बाय तो यहाँ से c की वैल्यू क्या c square c c B. A, B, c, आ जाएगी ये सी स्क्र डिवाइड बाय c माइनस ए इंटू सी माइनस बी ए बी सी तीनों वैल्यूज आ गई हैं अब आपने तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर वन में पुट करना है ए बी सी की जगह तो यहाँ क्या लिखेंगे आप पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन लिखेंगे यहाँ पे था आपके पास कैपिटल ए तो कैपिटल ए की जगह वैल्यू पुट करें ए डिवाइड बाय ए और बी और ए और सी नीचे आ जाएंगे ठीक है और वन माइनस ए एक्स ऑलरेडी था प्लस यहाँ पे बी था आपके पास आप पुट करेंगे बी की वैल्यू बी स्क्र डिवाइड बाई बी माइनस ए बी माइनस सी और ये पहले से यहाँ पे वन माइनस बी एक्स मौजूद था प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी माइनस ए सी माइनस बी और वन माइनस सी एक्स पहले से था ठीक है मैंने बस डायरेक्ट कर दिया आप इस तरह से भी कर सकते पहले यहाँ पर पुट कर दें मतलब ए स्क्वेयर यहाँ पर लाइन लगा के मतलब डिवाइड की ए माइनस बी ए माइनस सी आ जाएगा और नीचे से आ जाएगा अगले स्टेप पे फिर यही करना पड़ेगा ठीक है आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए फ्रेंड्स के की साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बता दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़